उन थाना अंतर्गत हुई युवती की मौत के मामले में गांव की महिलाओं ने पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्र होकर उन थाने पहुंची और जमकर नारेबाजी करते हुए न्याय की गुहार लगाई। आइए सबसे पहले देखते हैं महिलाओं ने थाने पहुंचकर क्या कुछ कहा है। करके यहाँ न्याय के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए आई, क्या चाहते हैं आप लोग? फांसी नहीं। महिलाएं का कहना है कि न्याय चाहती है और फांसी चाहती है। आप क्या चाहते हो पुलिस से, क्या चाहते हो? आप लोगों का कहना क्या है, क्या कहना चाहते हो, क्या क्या आरोपी किन को? सबसे पहले तो उसको पूरे परिवार को अंदर करो, हमारे सामने पूरे परिवार को लाओ, एक्स वाई जेड जो भी हो ना, पूरे लाओ सबको अंदर करो, उनको भी अभी हमारे सामने लाओ और फांसी दो। वो मतलब क्या है ये, मतलब आपको क्या लग रहा है पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही। परिवार को दोषी मानते हैं? पूरे परिवार को हमारे सामने, पूरे परिवार को लाओ ना अंदर करो हमारे सामने। आप लोग कर रहे हो नहीं, हम तो जा रहे हैं। आरोपी को अभी तक रिमांड पे नहीं लिया गया है, नई जानकारी नहीं ली गई है। और सबसे बड़ी बात, ये सुबह से ही पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। टीआई साहब जो हैं, उन टीआई थाना प्रभारी गणेश कनेल जी जो हैं, सर्चिंग करने के लिए गए हैं, किंतु अभी तक कोई लाश का कोई पता नहीं चला है। महिलाओं का सब्र टूट चुका है और महिलाएं अब एकत्रित होकर उन थाना पहुंच चुकी है। इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और इसी को लेकर के यहाँ आए। इसके बाद जब महिलाओं को लगा कि पुलिस द्वारा उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो महिलाएं सड़क पर पहुंच गई और नारेबाजी करने लगी। बड़ी मुश्किल के बाद एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया मौके पर पहुंचे और महिलाओं और ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को शांत करवाया। उन्होंने सभी को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामजनों का कहना था कि पुलिस द्वारा मामले की जांच ठीक से नहीं की जा रही। उनकी बहन और बेटी की मौत का मामला पूरी तरह गुमराह हो चुका है। वहीं पुलिस ने लाश बरामद होते ही समस्त पहलुओं पर बिंदुवार जांच की बात भी कही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निसरपुर की नदी से पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है। पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में शव की जांच होने के बाद, यानी पोस्टमार्टम हो जाने के बाद फिर बयान देने की बात कही है। खरगोन ब्यूरो से दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।